अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल गज़ालास किचन। आज मेरे किचन में बन रही है चिकन की निहारी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में मैंने तेल लिया है आधा कप। तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 2 से 3 अदद तकरीबन लिए हैं दरमियाने साइज़ के, जिनको बारीक काट लिया है। प्याज को फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो उन प्याज़ों को निकाल लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब जो इसमें तेल बचा है उसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो डाल के 1 से 2 मिनट थोड़ा सा भूने उसको। उसके बाद इसमें गोश्त शामिल करें। चिकन का मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। गोश्त को हम फ्राई करेंगे तेल में जब तक कि ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। चमचा चलाते जाएं, अब इसके अंदर गोश्त का कलर चेंज हो गया है और गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच निहारी मसाला इसमें डालेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। मसाले को अच्छी तरह से पकाएं। मसाला तकरीबन हमारा भुन गया है, अब इसके अंदर आधा कप दही शामिल करेंगे। दही शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको पकाएं ताकि दही हमारा अच्छी तरह से इसमें पक जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है और मसाला हमारा भुन चुका है। अभी इस स्टेज पर इसमें से हम तेल निकाल लेंगे, क्योंकि तेल इसमें ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी 2 से 3 गिलास या जितना आप शोरबा रखना चाहें उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाले हैं। पानी में उबाल आ रहा है, अब इसके अंदर ढक्कन ढक के हम रख देंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। हल्की आंच करके आप इसको चढ़ा दें और चिकन के गलने का इंतज़ार करें। जब चिकन अच्छी तरह से गल जाए उसके बाद आप इसमें, 1 प्याली में मैंने पानी लिया है थोड़ा, आधा कप जितना, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच आटे के डाले हैं। कॉर्नफ्लोर नहीं डाला मैंने, आटा डाला है। आटा डाल के आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें जो हमारा निहारी पक रही है उसके अंदर शामिल कर दें और चम्मच इसके अंदर चलाते जाएं जब तक कि हमारा शोरबा जो है थोड़ा थिक ना हो जाए। शोरबा हमारा गाढ़ा हो गया है और निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। और
और अगर थोड़ा और आप गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी देर और पकाएं इसको। गार्निशिंग के लिए मैंने सामान सारा काट लिया था। हरी मिर्चें हैं, अदरक है, लीमू है, धनिया है, प्याज फ्राई किए हुए जो निकाले थे वो इसमें मौजूद हैं। निहारी हमारी तैयार है, अब इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ऑयल जो हमने निकाल के रखा था वो उसमें ऊपर से हम डालेंगे। बाकी गार्निशिंग का सामान जो भी था वो सब इसमें डाल के आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है इसकी और टेस्ट में भी लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।